कुंभ मेला विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का गौरव रखता है। आस्था के महापर्व कुंभ का आयोजन इस साल प्रयागराज में किया गया है। आंकड़ों के अनुसार अब तक कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 करोड़ से भी ज्यादा मानी गई है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के भव्य आयोजन प्रयागराज के दिव्य कुंभ पहुंचे। पीएम ने यहां संगम में डुबकी भी लगाई। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहे। मोदी ऐसा करने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1954 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में डुबकी लगाई थी। प्रधानमंत्री से पहले 13 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी प्रयागराज के दिव्य कुंभ में पवित्र स्नान करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे थे। इसी बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह 185 देशों के 220 प्रतिनिधियों के साथ संगम नगरी प्रयागराज में स्नान करने पहुंची। वीके सिंह ने बताया था कि इस यात्रा का मकसद उनको यह दिखाना है कि कुंभ महज नदियों का मिलन ही नहीं है बल्कि विभिन्न धर्मों और विश्वासों का समागम भी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 जनवरी को कुंभ में स्नान किया था। इस दौरान उनके साथ राज्य के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। कुंभ के पहले शाही स्नान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पवित्र गंगा स्नान किया था। इस दौरान उन्होंने अधिक से अधिक लोगों के इस दिव्य और भव्य आयोजन का हिस्सा बनने की कामना भी की थी। प्रयागराज कुंभ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी स्नान करने पहुंचे थे। स्नान के बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से अपनी यात्रा का अनुभव साझा किया। उन्होंने कुंभ यात्रा को जीवन का बहुत ही सुखद अनुभव बताया। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 12 फरवरी को कुंभ में स्नान करने पहुंचे थे। अपनी तस्वीर साझा करते हुए चौहान ने माँ गंगा से अनंत काल तक प्रवाहित होने और विश्व का कल्याण करने की प्रार्थना की थी। तो दोस्तों, ऐसी ताज़ा तरीन खबरों से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों परिवारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। और ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। MFI न्यूज़, हमेशा सच के साथ।